जय जगन्नाथ, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल नटखट सुहानी। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग घर पर ठीक होंगे और सेफ होंगे। सो फ्रेंड्स, आपको पता है आज का वीडियो क्या है? आज का वीडियो है माय डॉल हाउस ऑर्गेनाइजिंग वीडियो। आप सोच रहे होंगे तो मैंने पहले से ऑर्गेनाइजिंग वीडियो बना दिया है, फिर मैं फिर से क्यों कर रही हूँ? क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने जो पहले किया था उसमें तो मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था। इस बार मैंने बहुत चीज़ें ऐड किए हैं, बहुत सजाया भी है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत पहले बनाया था मैंने, अभी कैसे समर हॉलीडेज लग गया था तो मैंने सोचा कुछ तो नया बनाऊँ, तो मैंने बहुत कुछ ऐड किया है, सजाया है। आप भी एक्साइटेड हो देखने के लिए? चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैं डॉल हाउस ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहले टॉप फ्लोर से स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा लिविंग रूम। और मैंने एक रूम और जोड़ दिया है, पर पहले हम लोग लिविंग रूम का बात करते हैं। तो लिविंग रूम में मैंने चेंजेस किया है कि ये मैंने टीवी शो बदल दिया है, पहले और कुछ था, मैंने और कुछ बदल दिया है। एंड ये एक टेबल है, यहाँ मैंने क्यूट सा एक टीवी रिमोट बनाया है। एंड पेपर से मैंने एक फ्लावर वेसल बनाया, देखिए ये ब्लू, ये पिंक और ये ग्रीन। चलो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। तो मेरा जो फिफ्थ क्लास का जो ड्राइंग बुक था, मैं सेवन्थ में जाऊंगी तो मैं बहुत फिफ्थ में जब थी, तो तब मैंने इसे कट करके यहाँ पे स्टिक कर दिया थोड़ा सा डिज़ाइन करने के लिए। एंड यहाँ पे मैंने एसी बना दिया। और मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, नेक्स्ट है सोफ़ा। तो मैं आपको सोफ़ा थोड़ा पास से दिखाना चाहती हूँ, आइए थोड़ा दिखाइए। तो ये हमारा सोफ़ा है, इसे मैंने टोटल थर्मोकोल से बनाया है। मैं पिलोज निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो पहले मैंने थर्मोकोल लिया ऐसे दो स्क्वायर साइज़ के, एंड एक रेक्टेंगल साइज़ का। एंड इसे ऊंचा बनाने के लिए मैंने दो दो ऐसे यूज़ किए हैं थर्मोकोल। एंड देन मैंने एक बहुत सारा बेबी वाला क्लॉथ था तो उसको लेकर मैंने इसे पतला वाला से चिपका दिया। एंड इसे मैंने ग्लूगन के हेल्प से बनाया है। एंड इस पिल्लो में भी मैंने कोई स्टिचिंग नहीं किया है, बस ग्लूगन से स्टिक कर दिया है। और ये बहुत क्यूट लग रहा है एकदम। चलो मैं यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ। एंड ये एक टीपॉय है, यहाँ पे मैंने ग्लिटर शीट से स्टिक कर लिया है। एंड यहाँ पे पिंक कलर का ऐसे क्लॉथ लगा दिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे तो मैंने कुछ इतना चेंजेस नहीं किया है। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ गेस्ट रूम। तो ये हमारा गेस्ट रूम, जो मैंने और भी कुछ ज्वाइंट कर लिया गेस्ट रूम में। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक गणपति का फोटो लगा दिया, रियल नहीं है, तो मम्मी बोलती है भगवान को कभी भी ऐसे खेलते नहीं है, तो मेरे ड्राइंग बुक में जो था मैंने उसे कट करके लगा दिया है। एंड यहाँ पे मैंने एक वॉच यहाँ पे स्टिक कर दिया है। एंड यहाँ पे एक से फ़ोन। एंड यहाँ पे एक बेड, जो पापा का एक स्क्रीन आया था उसमें मोबाइल स्क्रीन, पापा ने मुझे दे दिया तो मैंने उसके हेल्प से ये बनाया है। आपको कैसा लग रहा है मुझे बताना ज़रूर। तो यहाँ मैंने एक आराम चेयर रख दिया, दो टेबल, और यहाँ पे और एक बड़ा वाला टेबल। तो आपको मेरा टॉप फ्लोर एंड वो ऐसे मैंने जो एक रूम बनाया था, आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में बताना, और आप भी ट्राई करना, ओके? तो चलो मैं आपको बताती हूँ सेकेंड फ्लोर। तो ये है हमारा सेकेंड फ्लोर, यानी लिविंग रूम के नीचे। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ मेरे पहले बार्बीज का, मेरे जो एना और एल्सा है ना, उनका टॉयज़ है। मैंने इसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था, पर मेरे जो छोटे छोटे एना और एल्सा है ना, उनके सामने तो बहुत ही छोटे लगते हैं। तो ये उनका बार्बी डॉल्स है, यानी उनके एक्सेसरीज। वो लोग बहुत ही खेलते हैं। एंड ये उनका ऐसे चीज़ें आपने तो देखा ही होगा, ये पूरा रेडीमेड है, मैंने ऐसे सजाया है। चलो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने प्लास्टिक वाला मिनी किचन सेट तो अनबॉक्स किया ही था, ये टेबल ना बार्बीज के लिए बहुत ही स्मॉल हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं एना और एल्सा क्यों ना दे दूँ, तो वो लोग भी खेल सकते हैं इसके साथ। तो यहाँ टॉयज सेक्शन है, यहाँ पे डकलिंग डक है, गिटार है, और छोटे छोटे बार्बीज का स्लीपर्स हैं। एंड मैंने जो मिनी डॉल हाउस अनबॉक्स किया था उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे से मिले थे डॉल, तो उसको मैंने उनका टॉय बना दिया। हेलो, इतना क्यूट है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ है बेड और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल, मैं आपको दिखा दूँ ड्रेसिंग टेबल मैंने क्या क्या किया है। यहाँ पे तो उनका मिरर और कुछ पर्स है, और ये उनका मिरर, और ये उनका कुछ क्रीम्स। एंड यहाँ पे बेड के अंदर भी मैंने ऐसी, मेरे पास पुराना क्लॉथ है बेबी क्लॉथ, उसको मैंने उनका ब्लैंकेट बना दिया। एंड यहाँ पे एक टेबल है जिसके अंदर वो लोग पानी वगैरह सब रख सकते हैं। एंड ये है उनका शेल्फ। तो ये मेरा वो मैंने जो अनबॉक्स किया था कैश रजिस्टर सेट, उसके अंदर ही मुझे ये सब मिल गया, और ये मैंने उसे ग्लू गन्स की मदद से इसे मैंने स्टिक कर दिया, और ये बन गया बार्बी का शेल्फ। अच्छा है ना? यहाँ पे मेरी बार्बी क्लॉथ्स रखेगी, पर मेरी बार्बी अभी घूमने गई है बच्चे का क्लॉथ्स लाने के लिए, तो जब आएंगे
वो चले गए ना, इसलिए मैं कर रही हूँ होम टू। नहीं तो बोले अरे सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, बहुत ही आवाज़ करेंगे वो लोग, इसलिए वो चले गए, इसलिए मैं कर रही हूँ। चलो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने बच्चों का एक बुक शेल्फ बना दिया है, एंड ये है बुक शेल्फ। यहाँ पे मैंने बच्चों का स्टोरी बुक्स रखा है ऊपर, और नीचे नोटबुक्स। तो बच्चों का रूम है, स्टडी रूम ना हो ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो मैंने स्टडी रूम भी एक ऑर्गेनाइज कर दिया है। यहाँ पे तो चेयर का चेयर है, यहाँ पे एक उनका कंपास बॉक्स है जिसको मैंने मैथ सिक्स को कट करके एक पेंसिल बॉक्स बना दिया, एंड यहाँ पे एक लैम्प है। तो आपको कैसा लगा मेरा बेबी रूम? अभी मैं आपको दिखाऊंगी मम्मी पापा का रूम जिसमें हमने बहुत सारा चेंजेस किया जिससे मेरा हो पाए। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारा मम्मी पापा का रूम। तो फ्रेंड्स चलिए मैं यहाँ से आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे बारबी के पास बहुत सारे पर्स हो गए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि उनके लिए हैंगर्स बना दो। तो मैंने एक कार्डबोर्ड लिया सिंपली, एंड यहाँ पे सेलो टेप की मदद से यहाँ पे स्टिक कर दिया, और उनके पर्स अच्छे से आ गए। बहुत ईजी है ना। चलो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट मैंने स्मॉल सा एक एल्बम बुक बनाया है। मैं जब बहुत छोटी थी, जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, तो तब मुझे ऐसे पिक्चर्स थे मेरे पास, तो उसे मैंने कट करके एक एल्बम बुक बना दिया। देखो अच्छा है ना। चलो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। तो मेरी बारबी के पास बहुत ही सारे क्लॉथ्स हो गए थे, तो मेरी बारबीज ने बोला कि उनके लिए और एक एक अलमीरा चाहिए। तो मैंने उनके लिए और एक एक अलमीरा बना दिया। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है एक बॉक्स से, और यहाँ पे मैंने पेपर वाला गिफ्ट पेपर स्टिक कर दिया डिज़ाइन के लिए। तो चलो ओपन करती हूँ। टन टन, देखिए मैंने कैसे बनाया अलमीरा। यहाँ पे मैंने शेल्फ्स बना दिया जहाँ पे बाबीज के पूरे ड्रेसेस स्टोर करते हैं वो लोग। ये उनका कैजुअल है, उनका पार्टी वेयर है, उनका कैजुअल है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया है, बस यहाँ पे मैंने इसे कुछ स्टिकर्स मिले थे, यहाँ पे मैंने स्टिक कर दिया, एंड यहाँ पे मैंने कप जो है सेलो टेप की मदद से यहाँ पे स्टिक कर दिया। चलो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। तो ये हमारा ड्रेसिंग टेबल। तो ड्रेसिंग टेबल का मैंने एक चेयर बना दिया, देखिए कैसे लग रहा है। यहाँ पे मैंने ग्लिटर शीट से डिज़ाइन किया है, मैंने खुद से बनाया, मुझे नहीं पता कैसे बनाया पर मुझे अच्छा लगता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेसिंग टेबल। तो मेरे पास ड्रेसिंग टेबल नहीं था, तो किचन का जो कप होता है ना, जूस कप, तो उसको मैंने यहाँ पे ऐसे स्टिक कर दिया, एंड एक ऐसे स्क्वायर साइज़ का एक कार्डबोर्ड ले लिया, उससे ऐसे स्टिक कर दिया जो कि मैंने सेलो टेप के मदद से किया है। एंड देन वहाँ पर मेरे पूरे बारबी की चीज़ें आ जाते हैं, और ये पूरा ड्रेसिंग टेबल के जैसे लगता है। आपको कैसे लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैंने कुछ परफ्यूम के फ़ोटोज़ आए थे, मैंने उसे कट करके यहाँ पे स्टिक कर दिया, और ये उनका मिरर। आपको कैसे लग रहा है मुझे कमेंट्स करके बताना। चलो अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसकी साइड में। यहाँ तो मैंने कुछ सजाया तो नहीं है, बस यहाँ पे मुझे और भी कुछ फोटोज़ मिले थे, मैंने कट करके यहाँ पे मैंने उसे स्टिक कर दिया। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ थोड़ा अलग मैंने कर दिया, देखिए बस। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। तो मेरे बारबीज के लिए मैंने कुछ हैंग बैग्स भी बनाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बताया है मैच स्टिक बॉक्स से। देखिए इसमें मैंने ब्लू एंड सिल्वर कलर का ग्लिटर शीट्स यूज़ किए हैं। आपको कैसे लग रहा है मुझे बताइए। ये तो सिंपल है, एंड ये भी सेम है पर थोड़ा डिज़ाइनर है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ साइड में। तो साइड में है बेड। बेड में मैंने कुछ डिज़ाइन नहीं किया है, बस यहाँ पे स्मॉल सा पिलो बना दिया, एंड यहाँ पे कुछ बाबीज के फ़ोटोज़ थे, मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिया। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ मैंने वो जो प्लास्टिक किचन से अनबॉक्स किया था, उसमें से एक टेबल मिला था, तो यहाँ मैंने रख दिया। तो वो अपना नाश्ता और बुक्स वगैरह से रखते हैं। एंड चलो मैं आपको दिखाती हूँ इस साइड का शेल्फ्स। तो यहाँ मैंने शेल्फ्स कैसे बनाए मुझे बताइए फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड लिया, एक ऐसा कार्डबोर्ड लिया, और वहाँ पे मैंने पतला पतला जो कार्डबोर्ड था उसे मैंने सेलो टेप की हेल्प से ऐसे शेल्फ्स बना दिए। यहाँ पे मैंने पूरे चीज़ें रखे, जैसे कि यहाँ पे नेकलेस, यहाँ पे उनका ब्रेसलेट्स, उनका इयररिंग्स, उनका टियारास, उनके पूरे कंघी, एंड जो केन डॉल है उनके लिए चश्मा, हेडफोन, एंड बाबीज के लिए कुछ क्लिप्स। एंड फ्रेंड्स मैंने बारबी के रूम में एक कूलर भी बनाया है। देखिए कूलर का ये रिमोट है, ये कूलर है, और ये उनका एक्स्ट्रा बैग एंड एक चेन है सोनी का। कैसे लग रहा है फ्रेंड्स आप मुझे बताइए। मैंने यही चेंजेस किया, थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, और आप मुझे कमेंट्स में बताना कि मैंने ये रूम कैसे बनाया है। फ्रेंड्स मैंने आपको पूरा 3 रूम्स तो दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाऊंगी किचन। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किचन।
तो किचन तो रेडीमेड था, पर मैंने कैसे सजाया वो भी तो आपको देखना है ना। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले ये पहला शेल्फ, तो इसे हम लोग निकाल देते हैं। आ गया, चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसे कैसे सजाया। तो पहले इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरे 3 पैन्स रख दिए हैं, एक पैन, एक पैन एंड एक पैन। अब मैं इसे ऐसे करके यहाँ पे रख देती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ प्लेट्स जो मैंने सजा के रखे हैं, एंड ये कुछ छोटे छोटे प्लेट जिसमें वो लोग करी वगैरह रखते हैं एंड लोग स्नैक्स भी खाते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे उनके छोटे छोटे मसाले के डब्बे हैं, एक कुकर है और यहाँ पे छोटे छोटे 4 कुकर्स। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ का तो हमने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं नीचे का कबोर्ड। तो फ्रेंड्स, नीचे के कबोर्ड में मैंने यहाँ पे रखा है कुकर, एक कढ़ाई, एक जिसमें मम्मी जो आटा बेलती है वो, एंड यहाँ पे 2 कुकर्स रखा है और यहाँ पे 3 प्रेस। तो चलो फ्रेंड्स, आपने ये शेल्फ तो देख लिया, अब मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट शेल्फ। तो फ्रेंड्स, दिखाते हैं हम लोग ये वाला कैबिनेट, जैसे मैं ओपन कर लेती हूँ, ओपन हो गया। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे पूरे ग्लासेस के सब कुछ है। तो पहले चीज, यहाँ मैंने खुद से बनाया था ये ट्रे, तो देखिए आपको कैसा लग रहा है मुझे बताना कमेंट्स करके। एंड यहाँ पे मैंने टी कप्स रख दिए हैं, यहाँ पे कुछ मैंने कप्स रख दिए हैं, तो यहाँ पे मैंने एक कप कुछ कप्स रख दिया, यहाँ पे मैंने कुछ कप्स रख दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 यहाँ पे कप्स रखे, यहाँ पे कप्स रखे और यहाँ पे टी कप्स रखे हैं। तो ये कैबिनेट मैं ऑफ कर लेती हूँ एंड मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। तो कैमरामैन थोड़ा सा यहाँ पे आइए। तो यहाँ नीचे मैंने सब पूरे मैंने पूरे चम्मच रखे हैं, जितने भी चम्मच है वो पूरा फुल हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप बताना मुझे कैसे रखा है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा रेफ्रिजरेटर। चलो हम लोग देखते हैं इस कैबिनेट को। यम्मी यम्मी फूड है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने पूरा खाना रखा है एंड यहाँ पे मसाले के डब्बे। अरे गिर गया। तो चलो मैं इसे बंद कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ मेन रेफ्रिजरेटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रखा है ऊपर कुछ वेजिटेबल्स। ये फ्रेंड्स मैंने कैसे बनाया बताऊँ, पापा ने ना स्टिकर्स लेकर आए थे, वो तो बेस्ट हो गया, तो मैंने सोचा इसको मैं सब्जी क्यों ना बना दूँ। तो मैंने ऐसे बना दिया। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ कप्स रखे हैं, यानी जूस कप्स। यहाँ पे भी मैंने कुछ जूस रखे हैं, ब्रेड्स रखे हैं, केक रखे हैं और यहाँ पे भी मैंने कुछ पेप्सी की बॉटल्स, पानी रखा है एंड यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स रखे हैं, कुछ जूस रखे हैं एंड कुछ केक रखे हैं। तो ये सब मैंने रखा है जो मेरी बाबी का बहुत ही फेवरेट है और वो लोग एक दिन में ख़त्म कर देते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पे है कुछ चीज़ें, यहाँ पे मैंने बहुत ही कम चीज़ रखी जो कि है मेरे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आप अच्छे से देख लीजिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट पीस। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये वाला कैबिनेट, ओपन करते हैं। वाओ, यहाँ पे है 2 प्लेट्स, देखिए, एंड देन यहाँ पे कुछ टी कप्स यानी टी जग और यहाँ पे एक सिंपल जग। और यहाँ पे तो मैंने ऐसे ही ब्रेड टोस्टर रख दिए हैं और मुझे और एक ब्रेड टोस्टर मिल गया, तो मैंने और एक ब्रेड टोस्टर रख दिया एंड यहाँ पे एक छोटा सा ओवन रख दिया। बस इतना ही मैंने किया था चेंजेस। और मैं आपको दिखाती हूँ और भी चेंजेस, यहाँ पे थोड़ा कुछ चेंजेस किया था मैंने, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। तो यहाँ पे मेरे पास ऐसे बॉक्स पहले से ही थे, तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे बनाया। ये बहुत पहले पापा ने बनाया था कुछ कंटेनर यहाँ पे कुछ चीज़ें रखने के लिए, वो तो बेस्ट हो गया तो मुझे मिल गया। तो मैंने उसे ऐसे पलटा, देन यहाँ पे ये रख दिया, देन ये एनी मिक्सर। अच्छा यूज़ किया ना। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ स्पेशल चीज़। तो वो स्पेशल चीज़ है स्विमिंग पूल। तो पहले मेरे पास ये वाला स्विमिंग पूल था, बट मैंने इसे हटा के दूसरा स्विमिंग पूल बनाया। आपको देखना है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो स्विमिंग पूल, देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा स्विमिंग पूल है। और फ्रेंड्स आपको पता है इसमें रनिंग वाटर होता है, इसमें तो वाटर भी आता है, दिखा रहा है।
देखिए ये देखिए, बताओ कैसे, आपको तो पता ही चल गया होगा। तो यहाँ मेरे पास ना हैंड वॉश वाला वो सब था ना, तो उसका मैंने ये पंप ले लिया मम्मी से बिना पूछे। पर मम्मी ने बाद में मुझे माफ़ कर दिया, मैं तो गुस्सा कर रही थी मम्मी मुझे। और यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंट सेलो टेप लगाया और इसे जोड़ दिया, देन ऐसे यहाँ से पानी जाता है आता है यहाँ पे रहता है। और इसके साथ मैंने ये मुझे एक डब्बा मिला था, इसके अंदर मैंने क्या क्या बताऊँ मैं आपको बताती हूँ। मैंने पानी भर दिया और देन ये शैम्पू बन गया शैम्पू। आपको और भी चीज़ दिखाती हूँ। अब मैं आपको एक बारबी को यहाँ पे नहलाते नहलाते दिखाती हूँ, पर वो तो आपको वो ड्रेस पहन के आपको दिखाएगी। दिखाती हूँ मैं आपको, बात टाइम में किसे दे दिखा सकती हूँ, पर मैं ऐसे दिखाऊंगी आपको, ठीक है? चलो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा बाथिंग टाइम। तो मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहती हूँ, क्या बताऊँ? देखो मैं ये जो बकेट है ना, इसमें मैं पानी भरती हूँ। पानी, अरे मेरे ऊपर डालो, मेरे ऊपर डालो। हाँ डालती हूँ, इसका हम लोग बाल भिगाएंगे आज, बाल भिगाएंगे। ए बाल भीग गया। अरे मेरा बाल क्यों भीगा यहाँ? तुम फ्रेंड्स को दिखाने के लिए कि ये कितना अच्छा बाथटब है। मैं अब शिक्का भी बात नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। अरे भीगे पैर जाओगे क्या? हाँ, मैं टॉवल लेकर जाती हूँ, मैं चले जा रही हूँ, चले जा रही हूँ मैं। अरे अरे चले जाओ। वो तो चले गई। फ्रेंड्स तो आपने देखा मेरा ऑर्गेनाइज ऑफ द डॉल हाउस, मैंने बहुत चीज़ें अपने खुद से बनाया और मुझे बहुत अच्छा भी लगा और मज़ा भी आया। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आप जो डेली करते हो यानी लाइक एंड शेयर कर देना। एंड फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और ना नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलना, जिससे मेरे न्यू अपडेट वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए